नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है योर फार्मासिस्ट। मैं हूँ कमलेश। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे एक जो सिरप है स्पाइरोवेंट प्लस, आज हम जानेंगे इसके यूजेस के बारे में और इसका जो मेडिकल मेडिसिनल कंस्टिट्यूएंट है और उसके क्लास और एक्शन के बारे में, ये कैसे काम करता है और किस तरह बच्चों को कफ में रिलीफ पहुँचाता है जल्द से जल्द। चलिए बात करें अब इसके, अगर इस सिरप को अगर हम 5 ml कंटेन करते हैं तो हमें मिलता है लिवोसल्ब्यूटामॉल सल्फेट IP 1 mg और एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड वो IP 30 mg और गुआफेंसिन IP 50 mg मिलता है। चलिए बात करें, ये शेड्यूल एच की ड्रग है तो कृपया इस ड्रग को प्रिस्क्रिप्शन से ही लें, मतलब डॉक्टरों से ही लें, सेल्फ मेडिकेशन ना लें। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, मतलब ये जो एक्शन करते ड्रग हैं। चलिए दोस्तों, जो पहला ड्रग है जो मैंने बताया वो है एम्ब्रोक्सोल, जो इसकी क्लास है वो म्यूकोलाइटिक्स। जो इसका मेन फंक्शन म्यूकोलाइटिक्स का, वो जो हमारे लंग्स में म्यूकस होते हैं, जो लंग्स के दीवालों पर चिपके होते हैं इधर इस साइड दीवालों पर, वो उनके जो होता है उसको थिन बना देता है, मतलब वाटर अमाउंट ऐड करके उनको थिन बना देता है, जिसके कारण वो इजी से वो बाहर निकलने लगते हैं, जिस कारण उनके बच्चों के कफ में रिलीफ होती है, वो अच्छे से सांस ले पाते हैं कफ के दौरान। जबकि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होने से बहुत सारे उनके कफ या लंग्स फेफड़े जाम हो जाते हैं, उनके मुंह से सांस लेना पड़ जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कभी गले से उनके साउंड होने लगता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेट हो जाता है जब गले से साउंड आता है तो। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे ड्रग की, जिसका नाम है सल्ब्यूटामॉल, जो इसका क्लास है वो ब्रोंकोडायलेटर है। चलिए इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ब्रोंकोडायलेटर का एक्चुअली मतलब क्या है। चलिए देखिए, ये हमारा ये नॉर्मल लंग्स है, ये रहा ट्रेकिया, ये है ब्रोंकाई, सब ब्रोंकाई जो लंग्स की सबसे छोटी यूनिट है उसे हम करते हैं एल्वियोलाई। चलिए बात करें इसका एक्शन की, कि एक्शन जो होता है ये जो हमारा ब्रोंकाई है, सब ब्रोंकाई एल्वियोलाई है, उनका रेडियस बढ़ा देता है, जो हमारा म्यूकस होता है ये इनके ही दीवारों पर चिपका होता है, इनका रेडियस बढ़ने से ये बाहर निकलने में, स्पेल आउट होने में, मतलब मुंह के द्वारा बाहर निकलने में इनको बहुत ही आसानी हो जाती है, मतलब दीवार चिपके होते हैं जिनकी विस्कोसिटी कम हो जाने के कारण वो इजीली बाहर हो जाते हैं, जिससे कारण वह लंग्स में जो कफ जमा होता है बहुत ही जल्दी रिलीफ बच्चों को महसूस होता है, बहुत ही मतलब बच्चा नॉर्मल तौर से अच्छा बिहेव करने लगता है, अच्छे से सांस लेता है, अच्छे से वो बोल पाता है, अच्छे से वो चंचल रहता है फिर। चलिए बात करते हैं एक लास्ट ड्रग की, जिसका नाम है गुआफेंसिन, जो इसकी क्लास के बारे में मतलब वो है एस्पेक्टोरेंट, जो इनका फंक्शन है एस्पेक्टोरेंट की, वो मेनली हमारा जो म्यूकस की विस्कोसिटी, मतलब जो गाढ़ापन है उसको बहुत ही लिक्विफाई कर देता है, मतलब बहुत ही तरल कर देता है, और हमारे जो हेल्प टू रिमूव फ्रॉम एयर, मतलब जो हमारे ट्रेकिया है अभी और ब्रोंकाई है वहाँ से निकलने में यह भी सहायता करता है जो पहले वाले ड्रग के साथ, और मेक द ब्रीथ इजियर, मतलब और हम सांस लेने में बहुत ही सुविधा प्रदान करता है बच्चों को, इससे इजीली उनको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाती है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, इससे और भी मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।